क्या कह रहा है? मम्मी जैसी नहीं आती बिल्कुल, बाल भी वैसे ही और चाल भी वैसी। मम्मी जैसी? हाँ। दूर से तो दिख नहीं रही इतनी। ग्रीन वाली। हाँ देख, वैसे तो दिख रही हैं। ये देखो हम हैं 12th फ्लोर पे। मेरे को पैर कांपते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। वेलकम टू मोना प्रदीप व्लॉग्स। पीछे ही है, मुझे खुद डर लग रहा है। हाँ, वो सब कह रहे हैं फोन पीछे करो। अभी गिरा देगी, दो मिनट में ही हो जाएगा नुकसान। 2 लाख का। 2 लाख का वो तो लेना है मैंने अभी फोन। 14 प्रो लेना है मैंने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो। इग्नोर पूरा हो रहा है भाई, पूरी बेइज्जती हो रही है अपनी तो। क्या अरे इधर से लाइट आ रही है। कहाँ चढ़ के इसकी अलमारी खोली और बंद करी और ये आ गई हाथ में मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग चॉकलेट। वो देखो जैविन भाई, दो बेबीज बैठे हैं इधर। ये मैं भी खा सकती हूँ? हैं? बिल्कुल जवाब नहीं देता ये तो। जिगू गगू। ब्रेकफास्ट आ गया, साथ में काम चल रहा है, साथ में खाएंगे ब्रेकफास्ट। भाई बहुत मील सीटी मारा है हमारी, काम भी साथ चल रहा है और ब्रेकफास्ट भी। इतनी फुर्सत नहीं है कि आराम से बैठ के आदमी दो पल का खाना खा ले, इतनी गड़बड़ी है मैं। तो और क्या, मैं हर चीज आराम से खाना चाहिए। मेरा ऑल इन वन चलता है, व्लॉग भी और अपना काम भी चलता है। ठीक है मैं खा रही हूँ, बाय। तो हम निकल लिए हैं। लिफ्ट कहाँ है? नीचे चली गई। मैं और जैविन ऊपर है, अभी प्रदीप तो नीचे चला गया गाड़ी साफ करने। वो हमारा मुंडो ही है गाड़ी साफ और चलाने के लिए। वो धीरू पूछ रहा था कहाँ जा रहे हो, उसको थोड़ा बेवकूफ बना के आए कि जैविन को स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, बैग पैक कर रहा था वो। चल ठीक, दूसरी में चलते हैं। चलिए पता नहीं अटक गई, मेरे को लिफ्ट में बहुत डर लगता है। हाँ इधर जाना है, इधर जाना है। पर वो कह रहा था मन्नू बहुत भीड़ मिलेगी, इधर से ही जाना। मेरा कहना 57 मिनट फ्लोर इधर से आप जा रहे हो पापा भी। अब एक बार मन्नू से पूछ ले, उसने बोला था यहाँ पे बहुत भसड़ मिलने वाला। तो 11:51 हो गए हैं और हम निकल लिए हैं जयपुर के लिए और हमने नया रास्ता पकड़ा है। हम यहाँ से निकले हैं सुशांत लोग से और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स सुभाष चौक। अब सुभाष चौक से आगे से जो भी देखेंगे रास्ता सोना पे जाएगा ना जैविन, सोना एलिवेटर रोड। हाँ लेफ्ट जाने यहाँ से सोना वाला, फिर वो वहीं कनेक्ट करेगा, फिर वो वहीं कनेक्ट करेगा जो नया हाईवे जा रहा है। एक्सप्रेस है दिल्ली मुंबई, एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मुंबई, एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई। तो लेट्स गो। ये अब हमने सोना रोड पकड़ लिया है। अभी तक तो 50 की स्पीड है भाई, बहुत कैमरे हैं यहाँ पर। 100 लिखी है भाई। अच्छा 100 लिखी है भाई, 100 की स्पीड आ गई। 50 तो आई, 50 तो गति। पूरे गुड़गांव में कैमरे हैं और सिर्फ 50 की स्पीड है, तो आप सोच भी नहीं सकते। और स्ट्रिक्ट हो रखे गुड़गांव वाले गति। तो जी चलो चलते हैं, आप देखते हैं, हम भी पहली बार देखेंगे नया हाईवे। ट्रक की स्पीड 80 है, आप कमाल है। बस देख के चलना अपनी लेन में। टोल बूथ आने वाला है भाई, ये आ गया सामने। तो जी ये आ गया भाई टोल और इसमें लिखा है भाई 115 रुपए शायद, है ना जैविन? ये शुरू हो गया मेरा मजाक उड़ाना। जैविन ने बोला वो देखो वहाँ पुलिस खड़ी है। मम्मी कह रही कहाँ? तो मैं तो पूछूंगी भाई कहाँ खड़ी है। अरे भाई आजकल ऐसा ही है थोड़ा अपना। मोना करती है भाई चरस वरस का काम, चरस सप्लाई करती है ये, तो इसको डर लगा था कि पुलिस ना पकड़ ले। धीरे गाय 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 115 का टोल कट गया भाई, 115 रुपए का टोल। टोल लगा है यहाँ पे सोना रोड वाले पे और आगे मेरे ख्याल से 700 रुपए का है ना, या पता लगेगा बाद में। टोटल आएगा, टोटल आएगा फिर बताएंगे कितना टोल लगा है। वहाँ पे कटता नहीं है, जब जयपुर पे निकल लेंगे तो कटेगा। अच्छा। एंट्री में कोई नहीं है। ठीक
करके एंट्री पे भी है क्योंकि शालू यहाँ से आई थी तो उसी ने बताया यहाँ से भाई लेफ्ट लेना है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे। चलो दिखाती हूँ एक्सप्रेस कितनी बढ़िया लग रही है। चालू ना हुआ भाई प्रदीप आगे पुलिस खड़ी है पुलिस नहीं खड़ी है भाई कह रही है क्या कह रहा मैं क्या स्पीड इतनी होगी इन्होंने गवर्नमेंट ने कह दिया भाई 100 चलो अभी तो 95 पे पहुंचा था तो मोना का हाथ आने लग गया 120 अभी जाना चाहिए मोना के कपड़े चेक करेंगे जब उतरेंगे इतना भी नहीं है देखेंगे वो ताज हम यहाँ तो ऐसे वाली सड़क है लोग वीडियोस बना रहे हैं उतर के चल हम भी बनाए रील बनाते हैं मस्त लग रहा है मस्त छह लेन है भाई एक दो तीन चार पाँच छह लेन नहीं काउंट होती होती है नहीं होती मजा आ गया है यार वो मुंबई तक है पता है ये मुंबई तक है तो मुंबई वाले चालू नहीं है हो जाएगा चलेंगे फिर मुंबई चलेंगे प्रदीप गाड़ी में अपनी नई गाड़ी लेके चलेंगे मस्त लग रहा है रास्ता मस्त एकदम हेलो सड़क का व्यू ले साथ कर रहे हैं हां ले रही हूं सब व्यू ले रही हूं तेरा भी व्यू ले लूंगी अरे सीधा उसका व्यू लेना भारत ले भाई ले पता तो चले लो कितना खुला हाईवे है क्या है देख लो भाई कितना खुला हाईवे है मस्त एकदम मीटर का व्यू ले 120 पे होते हैं ये देखो कितने पे अभी ये देख मेरे को दिखाना चाह रहे हैं एक्चुअल में एक्चुअली पीछे से आ रही है बड़ी तेज भाई लेन यहाँ लेन नहीं चेंज कर सकते भाई मैं पहले ही बोल रही हूँ ये आ गई 120 तभी ऊपर है सफारी है भाई हैरियर है भाई सफारी ना एक कैसी चीज़ है दोनों अब ये भी तो जा रहा है मारुति वैन वाला 50 भी ना होगा मस्त होके जा रहा हूँ भी दीप कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है बहुत बढ़िया मजेदार और पापा आपको और पापा कह रहे थे दूसरे हाईवे से चलेंगे यहाँ क्या करेंगे टोल लगेगा 700 रुपए इससे जाना था या उससे थोड़ी जाना ये देखो रेलवे ट्रैक ये देखो वाओ नया टाइप का टोल है एंजॉय कर रहे हैं हम ट्रिप अपना क्या यो देखो भैया आ गया लहरिया टोल बंदेज का प्रिंट हो रहा है भगत ही जब थोड़ा मस्त लग रहा है एकदम बिल्कुल डिफरेंट रंगा खाली है हाईवे पूरा हाईवे खाली है मस्त बिल्कुल कितनी बार बोलूंगी मस्त मतलब मजे आ रहे हैं मुझे सही में कितना अच्छा लग रहा है यार देख कितनी लेन्स है जेविन 10 तो है पक्का 25 पापा फिर भी उसी लेन में जाएंगे जिसमें गाड़ी खड़ी है जिस लाइन में चल रहा था उसी में आया हूं 15 तो हमारी तरफ ये लेन दूसरी तरफ 10 होगी 25 अरे के रह गया यार भी रुक आयो वो कह रहा पीछे जाओ हैं पीछे जाओ कह रहा उसने कुछ बोला था रुक जा एक मिनट दूसरी वाली में ले मैं वही तो बोला चेंज तो हो सकती थी पीछे खाली पड़ा है देखा कोई ना पीछे गाड़ी आ रही कोई नहीं अरे तो बहुत कितने कटे हैं अभी वाले टोल में पैसे नहीं कटे हैं मेरे को लग रहा है लास्ट में कटेंगे है ना जेविन एग्जिट करेंगे तो कटेंगे देवीलाल की है ताऊ देख कितनी सारी नील गाय देखो दिख रही हैं अब ऊपर लिखा रेजिस्टेंस वैसे कहते हैं लक्की होती है देखना पता है लक्की वक्की तो कुछ ना होता आज भी कार वहां का बढ़ जाएगी ना कि चलता उस दिन पता चलेगा कार हां जी क्या करती है लक्की कोई लक्की तो जी रेजिस्टेंस सर्विस एरिया आ गया 500 मीटर पे है और हम अपने घर से निकले हुए हमें 35 किलोमीटर हो चुके हैं मतलब गुड़गांव से तो 35 किलोमीटर के बाद ही आ जाता है और एक रास्ता ये जा रहा है भाई पलवल और कुंडली को मैंने सुना है यहाँ पे 3 रेस्ट एरियाज आते हैं तो प्रदीप जो सेकंड नंबर वाला आएगा वहाँ हम रुकेंगे वो बंद क्यों होगा
के बोर्ड लगा रखे हैं कि आया है, लेकिन अभी मोस्टली बंद है। अरे वॉशरूम तो होंगे। हां क्या तेरे कुछ नहीं पता, हमने पानी पी के आई थी बहुत सारा। क्या पता तीनों बन चुके होंगे जब क्या, और क्या अब तक तो बन चुके होंगे। नहीं बने तो सारे हुए हैं। हां बने सारे, दुकानें नहीं खुली वहां पे भी। अरे खाना पीना नहीं है, वो तो खा पी के आए हैं। हम ब्रेकफास्ट कराया मन्नू ने बहुत बढ़िया, और साथ में ये देखो एक मैं रोल भी बना के लाई हूँ आलू के पराठे का, साथ में अचार है। बाहर का नहीं खाना तो से। अरे भाई अब क्या बोलू इस पे, मेरे को जाना है वॉशरूम। जाट हमारा जाट में बैठती नहीं, रोकने के इंतजाम पहले देख लाऊंगा। अरे बेल्ट कुछ अजीब सी हो रही है आज, ऊपर ही चढ़ गया। अरे पीछे की बेल्ट बहुत बढ़िया है, मैंने इसको बोला था मैं पीछे बैठ जाती हूँ, कहता नहीं ऐसी शक्ल शक्ल बनाई थी इतनी गंदी की अभी रो देंगी बस, तो क्यों बैठू फिर मैं। अरे मैं चलाऊंगी ना 150 पे पार करा दूं मैं तो। रोको साइड में। हां नहीं 100 से ऊपर चली गई ना गाड़ी, मम्मी के हाथ में जा के नाम बदल देना मेरा। अब 120 पे चल रहे मम्मी ने लगा। ये देखो जी 120 हो गई है स्पीड अपनी, मस्त चल रहे हैं। पता नहीं लग रहा है 120 हो गया, मस्त चल रहे हैं 120। ये आ गया भाई रेस्टरूम आ गया, लेकिन एग्जिट में है, मतलब ये रहा मेरे घर से, ये है ना ये वाला। हाँ नीचे उतर के वहाँ और जाना पड़ेगा। तो हम आगे रुकेंगे। देख इसको मजे आ रहे हैं चलाने में, रुकने का नाम ना ले रहा। मेरे को लगता है ये जयपुर रोकेगा बेटा, तू यही करता है। नहीं बन रहा है क्या, अभी नहीं खुला भाई। ट्रक्स वगैरह है मतलब, तो 100 की स्पीड है ट्रकों की। ये देख ये उल्टा आ रहा बता दादा, ये देखो ऐसे भी लोग हैं। इसलिए वो वहाँ जाना होगा, ये गलती से आ गया यहाँ। फी प्लाजा हेड एक और आ गया भाई। शर्म नहीं चलना चाहिए एक्सट्रीम लेफ्ट में, इसे तो आना ही नहीं चाहिए भाई। एक और आ गया भाई, पर ये एग्जिट का टोल है। अच्छा अलग है ये बाकी बना थोड़ी भाई। यहाँ पे पेट्रोल पंप बहुत कम है, मतलब कि बन रहे हैं अभी 50 किलोमीटर तक तो कोई नहीं है। जहाँ एग्जिट आएगी बस वहीं आएगा पेट्रोल, और कहीं नहीं। टंकी फुल करा के चलो, टंकी फुल करा के चलो। सही कह रहा है जैविन। और बता जैविन कुछ इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन। और सब बढ़िया, आप बताओ। 140 यहाँ से 12 रुपए सस्ता पेट्रोल है भाई, लिखा तो यही हुआ है। ये रहा पेट्रोल पंप है, नई वाली चलना था, नई वाली चली है। फूड कोर्ट भी है, जेविन इसकी वेट कर रहा था। ये नई वरना आई है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ऑल्टो कहते हैं ना, ऑल्टो आगे निकल जाती है। 110 पे है अभी, इनका समझ लो कितने पे। हम 110 पे है ना, और वो कितने पे है। लद्दाख में भी भागती हुई जाती है, जहाँ फंस जाती है बड़ी से बड़ी 4x4 ऐसी सरपट निकलती है चुहिया सी। मैं दिखाऊंगी तुमने कैसे जाना। और अगर नैनो होती तो वो भी गई हुई है। नैनो भी गई हुई है वो भी बिना उसके। वो देख आधे पे धूप है आधे पे छाव है। नहीं जी गंजे कहाँ है, देख ले तो खुद ही। उधर धूप आ रही है, धूप आ रही है। अब तो मजा आ गया। अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग कलर, अलग अलग है। धूप का कुछ रिलेशन देख ले तू एक बार। अरे नहीं है। अच्छा आप बताओ सब, आपको क्या लग रहा है। धूप से जुड़ी है वो, देख वहाँ पे धूप छा, वहाँ भी उस पे भी है पहाड़ पे, वो काले पहाड़ है। ये पहाड़ काले हैं। ये देखो आप पास से देखो, उधर धूप है इधर धूप है उधर
छाव है, पहाड़ काले हैं वो, होती है धूप छाव। ये पागलों की तरह हंसे जा रहा है मेरे पे, ये देखो पीछे बैठा, इसको दिखाती हूँ, हंसे जा रहा है मेरे पे क्योंकि धूप छाव नहीं, काले पहाड़ और सफेद पहाड़ है, अलग अलग है, काले पड़े वो देख लो, सूरज ने रेबेन लगा पहाड़ों पे, सूरज रेबेन लगा के देखता हूँ, इन्होंने मेरी खिंचाई शुरू कर दी है, अब इनको लगेगा मैं इरिटेट हो रही हूँ, लेकिन मैं नहीं हो रही हूँ। मेरे को पता है क्योंकि पहाड़ों पे ऐसा होता है कि एक एंगल पे कभी धूप आती है, एक एंगल पे नहीं आती है, तो वही है, ये बच्चे हैं इसको नहीं पता, भी ऐसे मजाक कर रहा है बस, पहाड़ अभी भी काले हैं, वो पहाड़ अभी तक काले हैं, हाँ तो वहाँ धूप नहीं आ रही, क्या बोलेगा होता आप मम्मी, आप इस दुनिया के लिए बहुत बोले हो, अभी मैं कोई बोले नहीं हूँ, इसका मतलब मेरा बेवकूफ बनाते रहते हैं, मैं कुछ नहीं बना रहा, बेवकूफ हो।